हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। ओके, तो क्लास 10th के चैप्टर 3rd सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कुछ टॉपिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस इज व्हाट थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखूंगा और उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। दिस क्लियर? तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नेम ऑफ चैप्टर इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आई हैव मेंशनड हियर ऑलरेडी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स, हैव यू हर्ड फॉसिल फ्यूल्स? इफ यू डिड नॉट हियर अबाउट फॉसिल फ्यूल, यू विल स्टडी अबाउट फॉसिल फ्यूल इन बायोलॉजी ऑल्सो, बट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू अवर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट फॉसिल फ्यूल। यू नो सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। चलिए देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन। सो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट buried deep inside the earth millions of years ago due to some natural condition or natural processes। मतलब कुछ जो animals, plants, things जो है millions years पहले जो earth के अंदर दब गए थे, तो उनसे जो things बनी है या जो हमें petroleum things मिली है उन सबको हमने बोला है fossil fuels। You getting? ये fossil fuel जो होता है ये बहुत long time लेता है बनने में, है ना? इसलिए हमें क्या search करना होगा? We required alternative sources of energy। अभी अगर देखा जाए सबसे efficient अगर हमारे पास क्या है, अगर source of energy की बात करें, that is fossil fuel, because we are running number of buses, number of vehicles, bikes, these are all working on which sources of energy, fossil fuels. But after few days or after few years, not days, it will be end. Yes? तो इसके लिए हमें alternative sources को देखना पड़ेगा। तो इसके examples देख लेते हैं। So examples coal, petroleum and natural gases are example of fossil fuels. Fossil fuels के कुछ advantages भी होते हैं और disadvantages भी होते हैं। Advantages की बात करें, so it is more efficient sources of energy, easily available, easily store, we can store easily. अब disadvantages की बात कर लेते हैं, due to fossil fuel, burning of fossil fuel, atmosphere is going to pollute. अगर atmosphere में pollution होता है तो वो क्यों? क्योंकि इससे जो smoke निकलता है वो pollute smoke atmosphere को भी pollute करता है, and many other things also. So advantages and disadvantages you understood. Now also we have to understand one source of energy, that is known as the LPG. LPG का भी बहुत बड़ा use हो रहा है nowadays, क्योंकि previously हम जो भी food वगैरह prepared करते थे उसमें deforestation होता था, उसमें wood का use करता था, so many things we used to cook food. Yes? Food को बनाने के लिए, prepared करने के लिए हमें number of things use करते थे, आप उसको replace कर दिया है। nowadays we are using LPG और ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिस इज द फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है इसमें, कौन से गैस का अमाउंट होता है वो देख लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मोस्ट ऑफ दी इसमें क्या होती है, ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, तो क्या है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? फॉसिल फ्यूल इजीली अगर देखा जाए एडवांटेजेस में, इजीली अवेलेबल है, इजीली स्टोर की जा सकती है, इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, दीज आर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करें, बट इट इफ वी आर नॉट यूजिंग एलपीजी सिलेंडर इन प्रॉपर मैनर और लीकेज हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और अगर हम प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो। ओके, सो सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, राइट? तो एलपीजी का एक बार और देख लेते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज ब्यूटेन, है ना? दो
it contains small amounts of ethane and propane also. But main constituent क्या है इसमें? Butane. ये ध्यान रखिए, कई बार जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है. Now natural gases. Natural gases. Natural gases का क्या uses है? क्या natural gases means which we got naturally. Those gases are known as a natural gas. Natural gas का भी बहुत use है. CNG आपने name सुना होगा. Nowadays number of vehicles, especially taxi and other types of vehicles are running by the help of CNG, compressed natural gas. ठीक है ना? तो ऐसे ही हम देखते हैं natural gas भी one of the source of energy है. ये किससे मिलके बना हुआ है? So natural gas is an important fossil fuel. ये भी fossil fuel का ही example है. देखिए हमने देखा था. Natural gas is the example of fossil fuels and is usually found underground near an oil source. Near जो oil source होते हैं उसके near ही हमें ये found होती है. Natural gas is lighter than air. Air से ये lighter होती है, इनकी density कम होती है. Density of natural gases are less than density of air. And is mixture of methane. ये इसमें most of the time 90% of the things जो गैस होती है 95% मीथेन होती है. 95% मीथेन. अच्छा, मीथेन के अलावा कौन कौन सी होती है? इथेन भी होती है एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी होती है, बट इनका रेशियो बहुत लेस होता है. बट 95% इज मीथेन, CH4. ओके, अदर कंपोनेंट्स फाउंड, अदर कंपोनेंट्स फाउंड इन नेचुरल गैस इंक्लूड CO2. अच्छा, इसके अलावा क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नॉट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आल्सो. इट इज हाईली इनफ्लेमेबल. ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल नहीं होती है. इट इज मींस ये कैसी होती है? हाईली इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ज्वलनशील कम से कम होती है, बहुत कम होती है. ज्वलनशील मींस ज्वलनशील नहीं होती है. एंड हैज नो कलर, इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, दिस इज कलरलेस. एंड कैन नॉट बी सीन, और ये हमारी आईज के द्वारा देखी भी नहीं जा सकती है. अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम प्लांट्स आल्सो थ्रू व्हिच वी कैन गेट एनर्जी. सो वेरी फर्स्ट प्लांट, अब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो हियर थर्मल पावर प्लांट. थर्मल मींस हीट रिलेटेड. तो ऐसा कोई प्लांट जिससे हम थर्मल एनर्जी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक्चुअली व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स? तो इस चैप्टर से स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहते हैं हाउ कैन वी गेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ different sources. So a thermal power plant generate electric power from heat produced by burning fossil fuels. इसको भी हमें run करने के लिए fossil fuels की requirement होगी. कौन-कौन से fossil fuels हम use कर सकते हैं? Coal and petroleum. So this is sufficient about this. ये ज़्यादा success नहीं होता है as compared to other जो हम देखने वाले हैं. तो ओके, इसलिए हमने ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं लिखी है. तो सिंपल का है, ये क्या है? एक प्लांट होता है जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी अचीव करते हैं. नाउ वी हैव हाइड्रो पावर प्लांट. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल प्लांट. एंड मोस्ट ऑफ दी जो इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में अचीव करते हैं वो इस प्लांट के थ्रू भी यूज करते हैं. हमारे जो घरों में अभी जब हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे घरों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ दैट जो कहां से मिल रही है? हाइड्रो पावर प्लांट की हेल्प से मिल रहा है. हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो से नेम पता चल रहा है, वाटर से रिलेटेड. तो ये वाटर वाली जो एनर्जी है उसमें हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके डैम बनाते हैं, फिर उसको कुछ हाइट से उस वाटर को फॉल करवाते हैं टर्बाइन पर. तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं. चलिए देख लेते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी produced from the kinetic energy of
फ्लोइंग वॉटर इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली है काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, क्योंकि डैम बनाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे, और हाइट बढ़ाएंगे तो वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से वाटर फॉल होगा। वाटर फॉल होगा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वाटर से उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। एंड अ प्लांट विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब ये पूरा सिस्टम जो बनता है जिससे हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उस प्लांट को क्या बोलते हैं, बहुत यूज अमाउंट में। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट जो कैनाल होती है, बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, उसमें भी बनाया जा सकता है। मतलब देखा जाए तो इनिशियली सेटअप तो बहुत कॉस्टली होता है, बट एक बार सेटअप होने के बाद में ज़्यादा इसका मेंटेनेंस नहीं होता है। तो वो भी हम देख लेते हैं क्या इसके एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि एडवांटेजेस क्या है। तो बहुत सिंपल एडवांटेजेस है, नेचुरल जो रिवर्स होती है, कैनाल्स होती है, हम इसमें हाइड्रो पावर प्लांट बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की भी थोड़ी बात कर लें, और ये जो लिखा है इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो डिसएडवांटेजेस की या डीमेरिट्स की बात करें तो क्या लॉस हो जाता है डीमेरिट्स में। हम कहें कि बहुत सारे डैम्स जब बनते हैं किसी रिवर्स के कॉर्नर पर या रिवर्स के नियर अबाउट, तो क्या होता है, जो आसपास के विलेज होते हैं या आसपास के जो फील्ड्स होती हैं वो क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, इमर्ज हो जाती है वाटर में। तो उससे और जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग एनिमल्स होते हैं, उनको भी लॉस होता है, और कई फार्मर्स को भी लॉस होता है। तो ये और पॉपुलेशन को डिस्प्लेसमेंट करने पर मजबूर कर देता है। सो देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है, पहले एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स ओवर थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स, मतलब दूसरे प्लांट्स की कंपेयर में भी इसके क्या एडवांटेजेस है वो देखते हैं। चीपेस्ट, ये देखा जाए तो अदर पावर प्लांट्स की कंपेयर में बहुत सस्ता होता है। मोस्ट वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब बहुत एक्यूरेट रहता है, विदाउट कोई ज़्यादा सोर्स के, विदाउट एनी अदर एनर्जी के हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बहुत कहें कि बहुत गुड क्वालिटी का होता है। रिन्यूएबल इन नेचर, ये एक कैसा होता है, अगेन एंड अगेन वी कैन प्रोड्यूस। जैसे अगर मैं बात करूँ जो इलेक्ट्रिसिटी, जिस वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उस वाटर का यूज़ हम अदर पर्पज़ से भी कर सकते हैं, इरीगेशन पर्पज़ से भी कर सकते। मैंने एक हाइड्रो पावर प्लांट देखा था जो कैनाल में उन्होंने सेटअप बनाया था, वही वाटर से टरबाइन भी रोटेट हो रही थी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा था, और रिमेनिंग वाटर कहाँ जा रहा था, मतलब वही वाटर फ्लो होकर किधर जा रहा था, इरिगेशन पर्पज से भी जा रहा था। तो मतलब रिन्यूएबल सोर्स है और इसको नंबर ऑफ टाइम्स हम कर सकते हैं। वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको मेंटेनेंस, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, मीन्स बहुत हाई नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉल्यूशन फ्री, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कर रहे हैं वो कैसी होंगी, पॉल्यूशन नेचर को पॉल्यूट नहीं करने वाली होंगी। नाउ मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हम पर्पस से इस प्रोजेक्ट फुलफिल करता है, जैसे कई पर्संस को इसमें लेबर भी मिल जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। इजी टू सेटअप, इसको सेटअप करना भी इजी होता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। चलिए अब इसके डीमेरिट्स के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको जैसे सरदार सरोवर डैम की बात करें या अदर जो इंदिरा सागर परियोजना या स्कीम जो है उसमें भी बहुत सारी थिंग्स का लॉस हुआ है, बट उसके बेनिफिट्स भी उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो इसके डीमेरिट्स देखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। एक बार का जब हम स्टार्ट करते हैं या प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो इनिशियल तो इसका क्या रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई होगा। दीज प्रोजेक्ट्स कॉज पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, राइट, इस टाइप के प्लांट से पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ता है। सुना होगा आप लोगों ने, यस।
जैसे अगर जो डैम के चपेट में या डैम के नियर अबाउट जो भी विलेजेस हैं उसमें पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। डैमेज द एनवायरमेंट, डेफिनेटली नियर अबाउट जो फील्ड्स होती हैं, एटमोसफेयर होता है या एनवायरमेंट होता है उसमें भी डैमेज होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल रिवर्स एंड एरिया। तो अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ये हर एक रिवर्स पर और हर एक एरिया में सुटेबल भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करूंगा। सो आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल होगा और यू विल मेक नोट्स ऑल्सो इन प्रॉपर मैनर। और जो नोट्स आप बनाएंगे इतने अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं देन आई थिंक सफिशियंट पार्ट विल बी हियर। और सफिशियंट जो आपका नोट्स होंगे आपके एग्जाम पर्पस के लिए वो आप यहीं से अचीव कर लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग्स। सो फॉर कमिंग थिंग्स वी विल सी आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो टिल नाउ इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु शिव सो प्लीज डू सब्सक्राइब। इंजॉय एंड हैव अ फन। थैंक यू।